ये वीडियो होने वाला है ब्लैक सीक्वेंस साड़ीज के ऊपर, जो कि मैंने मीशो से मंगवाया है कुछ साड़ीज। मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी। तो यार, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला साड़ी ये है, जो कि पूरा सीक्वेंस वर्क के साथ आ रहा है। सीधे वाला पार्ट ये है, ओके। तो देख सकते हो गाइज, इसका ना जो वर्क है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। चेक देख सकते हो, जो सीक्वेंस पैटर्न है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। पहना हुआ आपको मैं दिखाऊंगी सारे साड़ीज को, तो आप पहना हुआ देख सकते हो डेफिनेटली। इसका जो मटेरियल है ना, ये जॉर्जेट मिलने वाला है आपको। आप इस साड़ी को डेफिनेटली पार्टीज में पहनकर जा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा लुक आएगा। एंड इसका मटेरियल भी ना बहुत सॉफ्ट है, लाइक कुछ इस तरीके से प्लेन मिलने वाला है। एंड ये रहा इसका ब्लाउज पीस, वो भी आपको पूरा सिंपल सा प्लेन सा मिलने वाला है। तो आप पहन सकते हो डेफिनेटली इसका, यू नो, फुल स्लीव ब्लाउज सिलवा सकते हो या स्लीवलेस ब्लाउज भी बनवा सकते हो। इसमें जो मटेरियल है ना, ये स्टिच है, देखो डबल करके स्टिच करा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको बहुत इनफ मटेरियल मिल रहा है। हम लोग पल्लू साइड की बात करें तो पल्लू साइड पे आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। सो हमारा नेक्स्ट साड़ी ना ये है, गोल्डन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। एंड इसके बॉर्डर पे आपको बड़ा ही प्यारा सा वर्क मिल जाएगा गाइस। इसमें आपको थ्रेड वर्क मिल रहा है गोल्डन कलर से, साथ में आपको सीक्वेंस वर्क भी मिल रहा है। तो ये ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा से। पहनने के बाद ना इसका लुक कुछ अलग ही आता है। लाइक सामने से देखोगे तो इसका जो वर्क है ना, ये आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन पहनने के बाद जो ओवरऑल इसका लुक आता है ना, बहुत ही अमेजिंग आता है। इसका ब्लाउज पीस आपको जो मिल रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस वर्क के साथ मिल रहा है और कुछ इतना मटेरियल मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इससे भी एक अच्छा खासा ब्लाउज सिलवा सकते हो। इसका पल्लू वाला पार्ट भी आपको सेम मिलने वाला है, बस ऐसे स्ट्रिप पैटर्न मिलने वाले हैं। एंड पूरा सीक्वेंस वर्क के साथ, थ्रेड वर्क के साथ आपको ये साड़ी मिलने वाला है। नेक्स्ट ना, ये साड़ी है, ये पूरा प्लेन है, बट इसके बॉर्डर पे आपको ये वर्क मिल जाएगा। एंड सच बोलू ना तो ये साड़ी मुझे बहुत डिफरेंट, मतलब यूनिक सा लगा। बॉर्डर पे आपको ब्लैक, गोल्डन एंड सिल्वर तीनों कलर के कॉम्बिनेशन के साथ सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा। एंड ये साड़ी ना मिड इसके सेंटर पार्ट में पूरा प्लेन है, और इसका जो मटेरियल है ना, थोड़ा सा सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल लग रहा है। मतलब सिल्क और जॉर्जेट को अगर ब्लेंड कर दो तो कैसा मटेरियल आएगा, वैसा लग रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा ना शाइन है, तो ये शाइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है मटेरियल, सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है। यहाँ पे आपको ब्लाउज पीस मिल रहा है कुछ इस तरीके से, इसमें भी आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा। एंड मटेरियल आपको इनफ मिल रहा है, सो दैट आप अपने लिए एक अच्छा सा ब्लाउज सिलवा सको। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ना आजकल की सबसे ट्रेंडी साड़ी में से है। ये वाला साड़ी आपने बहुत बहुत ज्यादा देखा होगा, पूरे नेट फेब्रिक के साथ आता है। एंड इसका जो वर्क है ना, कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो बहुत ही टाइम से मैंने सोचा था कि मैं ये साड़ी तो लूंगी, तो इस साड़ी में ना आपको हाफ पोर्शन, लाइक हाफ तो नहीं बोल सकते बट हाफ से थोड़ा कम आपको ऐसे प्लेन मिलने वाला है, एंड देन ये वर्क मिलने वाला है नीचे साइड पे। और ये साड़ी के का जो पैटर्न है पूरा आपको सेम ही मिलने वाला है, स्टार्ट टू एंड वाले पार्ट पे ये जो आपको मिल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा फ्रिंजेस बोलते हैं आई थिंक इसको ना, तो बहुत ही प्रिटी लगता है, मुझे बहुत पसंद आया ये। एंड बहुत ट्रेंडी है, इसके साथ ना लोग फुल स्लीव वाले ब्लाउजेस पेयर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको नेट वाला ही ब्लाउज पीस अलग से मिल रहा है, नेट फेब्रिक के साथ मिल रहा है। इसमें आपको अलग से अस्तर के लिए कपड़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई अलग से फेब्रिक नहीं मिल रहा है, और कपड़ा इनफ मिल रहा है। आई थिंक फुल स्लीव ब्लाउज सिल जाएगा, आई थिंक आपको बाय करना ही चाहिए, बहुत ट्रेंडी भी है, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा है। आप चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो, तब भी ये साड़ी डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा एक लुक प्रोवाइड करने वाला है। सो यार गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही बहुत सारे साड़ीज हॉल लेकर आते रहती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से कलेक्शन होते हैं मेरे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।